गाइस, मैं सुमित मंडल, आप देख रहे हो सुमित मंडल यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे इस वीडियो में किस तरह से भगत सिंह का पोर्ट्रेट ड्रॉ किया जाता है, वो भी ट्यूटोरियल करके। सो वीडियो में आप लोगों का स्वागत है, चलते स्टार्ट करते हैं, एंड तक देखते रहना। और इस वीडियो में मैं फुल्ली एक्सप्लेन करके बता दूंगा किस तरह से फेस पे सेट किया जाता है। सो चलते स्टार्ट करते हैं, एंड तक देखते रहना जरूर। वेलकम बैक गाइस। सो आप में से काफी सारे लोगों का बहुत ज्यादा गलतियां कर लेते हो फेस में सेट करते वक्त। सो आप क्या करते हो, पूरा डायरेक्टली डार्क शेड के ऊपर डिपेंड हो जाते हो। सो ऐसा नहीं करना है, पहले आपको पूरा फेस में एक लाइट सा शेड दे देना है। ओके, लाइट सा शेड मतलब देख ही सकते हो मैं किस तरह से लाइट सा शेड एक दे रहा हूँ। सो इसी तरह से आपको भी इस तरह का एक फेस में, पूरा फेस में इस तरह का लाइट शेड दे देना है। उसके बाद उसके ऊपर से आप डार्क शेड में जाइए। ओके, लाइट टू डार्क शेड करना है, उससे ही आपका ड्रॉइंग रियलिस्टिक लगेगा। जैसे कि ये मेरा ड्रॉइंग देख सकते हो, ये मेरा पहले पूरा एक आउटलाइन कर लिया था, उसके बाद मैंने क्या किया, पूरा एक लाइट शेड दे दिया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके डार्क की मतलब डार्क होता जाएगा। सो उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है किधर में कितना डार्क है। सो उसी तरह से आपको धीरे धीरे उसके डार्क करना है, धीरे धीरे उसके डार्क एरिया को भी अप करना है। अगर उसमें अगर कोई भी, इसमें तो हाईलाइट ज़्यादा नहीं है, अगर हाईलाइट भी होता है तो उसके इरेजर से हाईलाइट भी करना पड़ता है, और भी ज़्यादा एक्सट्रीमली अगर हाईलाइट होता है। सो उसमें क्या करना है, आपको जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हो, व्हाइट जेल पेन का। ओके, इसी तरह से आप बना सकते हो रियलिस्टिक ड्राइंग। जैसे कि देखा मैंने आउटलाइन कर रखा था, मुझे दिखाई दे रहा था आउटलाइन, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा वीडियो में। सो उस हल्का सा आउटलाइन था, उसे सेट करने के बाद जैसे ही मैंने सेट किया, उसके बाद देख सकते हो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डार्क सेट की तरफ जा रहा हूँ। सो डार्क शेड अभी कर सकते हो, इसी तरह से आप डार्क शेड को अभी कर सकते हो। जैसे कि ऊपर की तरफ हेयर की, नीचे की तरफ थोड़ा लाइट कम है, सो इसलिए डार्क एरिया है। सो उधर में डेप्थ एरिया है, सो इसलिए लाइट नहीं आ रहा है, सो उधर में डार्क कर दिया। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। सो जैसे कि बताया, आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, जो आप किसी लोगों को ये बहुत अच्छे से शेडिंग करना आता है लेकिन आउटलाइन में प्रॉब्लम होता है। और कभी कभी लोगों को आउटलाइन ठीक ठाक थोड़ा कर लेता है लेकिन शेडिंग इसका बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर लेते हैं। और अब में से ज़्यादा इस तरह का होता है जो आउटलाइन में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और शेडिंग अच्छी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत शेडिंग अच्छी कर लेते हैं लेकिन आउटलाइन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ओके, सो आप कुछ भी नहीं करना है, आपको बस डेली प्रैक्टिस करते जाना है, आपको सारी चीज़ों में ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगा। सो सॉरी लेट हो गया। सो देख सकते हो मैं किस तरह से धीरे धीरे इस ड्राइंग को कंप्लीट करते जा रहा हूँ। मैं इस वीडियो में थोड़ा टाइम लैप्स को कम कर दिया है, और आप जैसे कि अच्छी तरह से देख सकते हो उसके लिए मैंने किया है, ज़्यादा समय देखे आप देखिए। आप में से काफ़ी सारे लोगों तो कहते हैं सो मैंने कितना फास्ट कर दिया है, और आपको समझ ही नहीं आता है मैं किस तरह से सेट कर रहा हूँ। सो इस वीडियो में आपके लिए इस तरह का किया है। सो धीरे धीरे हो रहा है वीडियो, धीरे धीरे ही देखते रहिए। ज़्यादा मतलब फास्ट कर देता तो आपको समझ नहीं आता मैं किस तरह से सेट दे रहा हूँ। सो इसलिए मैंने थोड़ा धीरे धीरे किया, उसको धीरे धीरे देखते रहिए और ऑब्जर्व करिए मैं किस तरह से सेट दे रहा हूँ और किस तरह से ब्लेंड कर रहा हूँ। ब्लेंड के लिए मैं कुछ भी मटेरियल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रहा हूँ। बड़ी बड़ी जगह पर मैंने हैंड का यूज़ कर रहा हूँ, और ब्लेंडिंग स्टाम्प का थोड़ा बहुत यूज़ कर रहा हूँ, और यही बस कुछ। और मैं हेयर अगर रहता तो हेयर के लिए मैं चारकोल पेंसिल यूज़ करता हूँ, और भी कुछ ड्राइंग में, और उसके बाद ब्लेंडिंग के लिए मैं ब्रशेस का भी यूज़ करता हूँ, और यही बस मेरा ड्राइंग मटेरियल्स यूज़ करता हूँ, और इस तरह का ही हो जाता है। सो देख सकते हो किस तरह से मैंने मुस्ताचे किया, और देख सकते हो जैसे जैसे है बस आपको लाइट के ऊपर इस तरह का डार्क शेड देना है, और ज़रूर रियलिस्टिक हो जाएगा। सो आपको बस प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करते जाना है, आपको भी ज़रूर इंप्रूव होगा। मैं भी पहले का ड्राइंग देख सकते हो, मेरा भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। सो अभी थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है, और भी ज़्यादा इंप्रूव करना है मुझे। सो इसलिए मैं वर्क करता रहा हूँ, प्रैक्टिस डेली कर रहा हूँ। सो इससे मेरा ज़रूर इंप्रूव होगा ये। सो देख सकते हो थोड़ा बहुत लाइट का प्रॉब्लम हो रहा था ये, और धीरे धीरे ये मोड भी हो गया, और ये कम्प्लीटली शेड में करता जा रहा हूँ। सो देखते रहिए मैं किस तरह से शेड दे रहा हूँ।
सो फ्रेंड्स, देखा किस तरह से मैंने सेट कर रहा हूँ, और मैं जिस तरह से स्लो स्लो वीडियो को देखा, उम्मीद है वीडियो को देख के आप कुछ भी सीखे होगे। सो अगर कुछ सीखे हो तो इस वीडियो से तो एक लाइक ज़रूर कर देना और आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। प्लीज़ शेयर कर दीजिए, आपसे मेरा बहुत हेल्प मिलेगा। सो इस वीडियो में बस यही दिखाना था आपको। सो आशा करते हैं वीडियो को अच्छा लगा है, लाइक ज़रूर कर दीजिए, नीचे कमेंट में बताना मत भूलिएगा किस तरह का लगा है वीडियो, और मैं बोलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए यही बस। और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो और भी वीडियो जाके देखने के लिए ज़रूर कहूँगा, जाके देखिए, और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, उससे मेरा नया नया वीडियो का अपलोड सबसे पहले मिलता रहेगा। सो मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अलविदा।